बैड वगैरह पे रख के यूज करते थे इसको। मैं तो नहीं करता, बच्चे ही करते हैं, लेट के उठ के। हाँ, बेड पे रख के यूज करते हैं। फैन में क्या होता है ना इसमें, कि फैन में ना रेसे खींचता है ये फैन के, और इससे जो बुश होते हैं फैन के वो जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम करता है आवाज, फैन इसका आवाज करता है। नीचे वो नहीं होना चाहिए क्लोथ वाला। हाँ, कुछ हार्ड सरफेस होना चाहिए हमारी मशीन के नीचे, जिसकी वजह से है फैन भी स्मूथ चलेगा आपका, और हवा की एग्जॉस्टिंग भी अच्छे से होगी। तो ये रेसे वगैरह नहीं खींचा, इससे फैन की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर पाओगे, फिर सही ज्यादा चलेगी लाइफ। पहले भी हो रहा था पुराने वाले, ये तो अभी नई मशीन है इसलिए इसको ज्यादा यूज किया है ना, इतने टाइम में नहीं आती है, इसलिए ही इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, जो फैन आवाज कर रहे हैं। इसलिए पहले तो चलती थी ये मशीनें, अब क्या है कि अब ज्यादा यूज हो रहा है, तो नई मशीन है इसलिए फैन की वजह से, बेड पर रखने की वजह से।